जिला के सुपर बाजार स्थित लक्ष्मीनाथ गोसाई कला भवन में आयोजित 2 दिवसीय कोसी शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के मौके पर पुलिस महानिदेशक बिहार गुप्तेश्वर पांडे सहरसा पहुंचे और आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कोसी शिखर सम्मेलन में स्कूली बच्चों के हाथों से बने तरह तरह के चित्रकारी और लगे प्रदर्शनी ने गुप्तेश्वर पांडे को अपनी ओर आकर्षित किया। बड़ी ही देर तक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बच्चों के हाथों द्वारा बनाए गए चित्रकारी और प्रदर्शनी को देखा और बच्चों का हौसला अफजाई किया। मंच को संबोधित करते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने शराबबंदी कानून को सही मानते हुए बताया कि जिस दिन जनता ठीक तरह से जाग जाएगी उस दिन बिहार में संपूर्ण शराबबंदी अपने आप हो जाएगी। शराबबंदी होने के बाद लोग अब कहीं कहीं पर छुप छुप कर शराब पीते हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं है कि वह चौक चौराहे पर जाकर शराब पिए, क्योंकि पुलिस का खौफ उनके अंदर है। यहाँ के मीडिया के भाई हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी यहाँ गणमान्य लोग हैं, जितने नौजवान हैं, जितनी हमारी बेटियाँ हैं, बहनें हैं, मैं सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस बात का भान है कि मैं एक दिव्य धरती पर खड़ा हूं। यह वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, त्यागियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, मनुष्यों की भूमि है, क्रांतिकारियों की भूमि है, ये मंडल मिश्र की भूमि है। मंडल मिश्र की भूमि कहने का मतलब प्रज्ञा की भूमि, ज्ञान की भूमि, विद्वान की भूमि, विदुषियों की भूमि, भारतीयों की पत्नी। यहाँ की मिट्टी पवित्र है, प्रणम्य है, वंदनीय है और यह धरती स्मरणीय है। समय का बहुत दबाव है, मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि मनुष्य में और जानवर में क्या फर्क है। हम मनुष्य हैं, कोई जानवर है। आप ये विचार करेंगे, निद्रा, भय, भूख, आहार हमको भी चाहिए, आहार पशु को भी चाहिए। आहार के तरीके में अंतर हो सकता है, प्रकार में अंतर हो सकता है, लेकिन आहार चाहिए मनुष्य को भी, पशु को भी। निद्रा चाहिए, पशु भी सोते हैं, पक्षी भी सोते हैं, वृक्ष भी सोते हैं, तरीका चाहे जो। भय है प्राणों का, वो मनुष्य में भी है, जानवर में भी है, पशु में भी है, कीड़े मकोड़े में भी है। एक मच्छर को मारने चलिएगा, उसको महसूस होगा, अपनी जगह से उड़कर भागता है। सांप को मारने चलिएगा, महसूस होगा, अपने प्राण बचाने की कोशिश करता है। मृत्यु का भय समान रूप से व्याप्त है, पशु में भी, पक्षी में भी, कीड़े में भी, मकोड़े में भी, मनुष्य में भी, 84 लाख जोनियों में। आहार, निद्रा, भय, शरीर भी सबके पास है, शरीर का प्रकार अलग, साइज अलग है, शरीर है सबके पास। ये आत्मा हाथी में भी है, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, शेर में, बाघ में, सियार में, मच्छर में। मूल अंतर जानवर और मनुष्य में यह है कि एक चीज केवल मनुष्य में है, 84 लाख योनियों में, सिर्फ मनुष्य में और किसी में नहीं। चीज को क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट। हिंदी में बोलते हैं उसको बुद्धि, विवेक। ये विवेक क्या है? निर्णय लेने की शक्ति। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।